तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो बात मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान जब प्यार में होता है तो क्या फील करता है। और मैं नॉर्मल वाले प्यार की बात कर रहा हूँ, फिल्मी लव नहीं। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान प्यार में होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है? होता तो बहुत कुछ है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब सबके साथ होते हैं तो खोए खोए से रहते हैं, कभी कभी अकेले में बेवजह मुस्कुराने लगते हैं। और जिससे आप प्यार करते हैं उससे बात करना, उसे देखते रहना, उसके साथ रहना अच्छा लगता है। और उसकी वजह से ही सब कुछ अच्छा लगता है। आप उसी के लिए जीने लगते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं, उसके साथ ही हंसते हैं, उसके साथ ही रोते हैं। और उसके साथ पूरी दुनिया अच्छी लगती, ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। आंखों के सामने वो हो तो कुछ याद नहीं रहता, सिवाय उस नाम के जिसकी वजह से आपका दिल धड़कता है। और उसके साथ रहने के लिए कोई रिश्ता ना हो ना से, लेकिन अलग रहने की भी कोई वजह ना हो। बस वो मुझे मिल जाए तो सारी उम्र मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो तुम भी किसी से प्यार करती हो? कौन है वो? कोई नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती। कौन है वो? कोई नहीं, मैं नहीं करती किसी से प्यार। स्ट्रेंज, अगर तुम किसी से प्यार नहीं करती तो तुम्हें प्यार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? तनु अच्छी लड़की है, बस पूरे मामले में उसका बहुत नाम खराब हुआ है। तू जानता है मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, है ना? वैसे तनु मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल, पैसे वैसे अच्छा कमा लेती। हम लोग दोनों साथ में मिलकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे, पैसों की बारिश होगी। और कब तक सिंगल रहूंगा यार? अरे यार, बात पैसे की नहीं है। जब तू उससे प्यार ही नहीं करता तो वो तेरी गर्लफ्रेंड कैसे हुई? तुझे कैसे पता कि मैं उससे प्यार नहीं करता? बस पता है मुझे। पता है तो किसी को बताना मत। हाँ, चलिए सच बताओ तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं तनु से प्यार करता हूँ कि नहीं यार। और तूने मेरी कंफ्यूजन अब बढ़ा दी, पता है तुझे? पर आई गेस आई शुड गिव इट टाइम। व्हाट डू यू थिंक? थोड़े टाइम में शायद मैं उसे प्यार करने लग जाऊं। लड़की अच्छी है, है ना? और ये आइडिया किसका था? कौन सा आइडिया? यही, तनु को गर्लफ्रेंड बनाने का। ओह, ये क्या लगता है तुझे कौन हो सकता है? अरे एक ही तो मेरी वेल विशर है, आलिया। चल मैंने बाय बोल करा था। ये तो मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था कि ये काम आलिया के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, फिर सोऊंगी मैं। न्यूज़ लगाती हूँ, तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया क्योंकि हम प्राइवेसी चाहते थे। ये इतना सब कुछ हुआ और तूने होने दिया, रोका नहीं? क्या करते दादी, उनके पास भी तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ उनकी नहीं, पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी, उनका करियर खत्म हो सकता था। उनके जिन फैंस ने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया वही उन्हें समाज का विलन समझने लगते। लेकिन दादी, उन्होंने मीडिया को तो बता दिया, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि माँ को ये बात ना पता चले। कि माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत नाराज होंगी और हो सकता है अगर ये घर आए तो इनके प्रति माँ का बर्ताव ही बदल जाए या अपना गुस्सा माँ डायरेक्टली उन्हीं पर निकाल दे। इस टाइम कौन आ गया डिस्टर्ब करने? कौन है? मैं हूँ। ये तो पूरब की आवाज है और इस टाइम? अरे हाँ, इसे तो सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मुझसे लड़ने आया। क्या बात है, जिसकी शक्ल दिन में देखने के लिए भी मैं तरसती हूँ वो इस वक्त यहाँ मुझसे मिलने आया है? कोई काम है क्या? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो अपनी बकवास बंद करो। और तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जब मेरा कोई मूड ना हो चीजों को एक्सप्लेन करने का, तब मैं वो करती नहीं। इस वक्त तुम्हें अपना नहीं, मेरा मूड देखना चाहिए। अगर सीधी तरह से जवाब दे दोगी तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो पूरा बताओ, क्या जानना चाहते हो? तुमने तनु को अभी से इतने दिनों तक दूर रखा, मैंने सोचा कि तुम कितनी भी बुरी क्यों ना हो, तुम्हें यह तो समझ आ गया होगा कि तनु अभी के लायक नहीं है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, तुमने यहाँ इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। काम डाउन पूरब। दशहरे का नाम सुनते ही आप लोग चुप क्यों बैठ गए? कुछ हुआ था क्या दशहरे के दिन? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, एक्चुअली पिछली बार ना दशहरे के फंक्शन में आग लग गई थी। थैंकफुली किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन सब लोग उस हादसे से घबरा गए हैं और इसीलिए दशहरा मनाना नहीं चाहते। ये क्या बात हुई? कल को अगर रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? पर बेटा दादी प्लीज, हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई पर हमने जीना थोड़ी ना छोड़ा है। किसी भी वजह से हमने त्योहार मनाना नहीं छोड़ा ना, तो आप क्यों छोड़ेंगे? और दादी आप तो दशहरे को बहुत मानती हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद ये मेरा पहला दशहरा है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर दशहरा मनाए। मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा। इसलिए आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम दशहरा एक साथ मनाएंगे। और अले तुम एक काम करो, तुम स्पॉन्सर्स को रेडी कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी मनी। और मैं आके बाकी सब तैयारी करता हूँ। इस साल भी हमारा जो दशहरा है ना वो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर होगा। और अगर मेरी सेक्रेटरी आ जाए तो उसे मेरे पास भेज दें। पता है ना सबको पिछली बार क्या हुआ था, इस बार फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से अभी को पिछली जिंदगी का कुछ याद आ जाए। बस अभी को कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर किसी ने कोई गलती की तो मैं माफ नहीं करूंगी। सुन रही है ना तू? सुना और डिसाइड भी कर लिया कि इस बार दशहरा कैसे सेलिब्रेट होगा। भाई के साथ नहीं, उस प्रज्ञा के साथ। मेरी तैयारी तो उसी के लिए होगी ना। अले तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे तुम्हारी गलती का हुई या स्टुपिडिटी। क्या हुआ है भाई? I mean... निकिता, तुमने इसे आउट हाउस से काम करने के लिए कहा है? हाँ भाई। किससे पूछ के?